सीरियल ये है मोहब्बतें में अविशिता का मानना है कि उसका पति रमन अब उसका नहीं रहा। दरअसल रमन और शगुन सरोगेसी के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं और इसी बात से अनजान इशिता हो रही है उन दोनों से इनसिक्योर। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं, जहां उदास इशिता को एक शॉकिंग खबर मिली है जिससे वो उभरने की कोशिश कर रही है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। तेरे दिल में बहुत बड़ी चोट लगी है। कौन समझ में आ रहा है? मेरे पति अब सिर्फ मेरे नहीं रहे हैं। एक्चुअली एक पैटर्निटी टेस्ट करवाया था मेरे परिवार वालों ने और उसमें कुछ ऐसे सच निकले हैं जो कि जिन्हें जान के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि मैं घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। लीव के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल। दैट इज़ समथिंग विच आई एक्चुअली डोंट नो अबाउट और मैं कुछ छुपा भी नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, जुदाइयाँ काफ़ी ज़्यादा लिखी हैं शायद आगे फ्यूचर में, क्योंकि धोखा भी इतना बड़ा हुआ है। नाउ लेट्स सी कि रमन क्लैरिफाई कर पाते हैं इस प्रॉब्लम के लिए या फिर नहीं। लेट्स सी। अच्छा, अब जब आपने घर छोड़ के जाने का मन बना ही लिया है, तो सोचा है कि मतलब कैसे आप इस रिलेशनशिप को संभालेंगे, क्योंकि इशिता तो उनमें से है नहीं जो भाग जाए छोड़कर। इशिता ऐसी है जो कि परिवार को पहले देखती है, अपनी खुशी से ज़्यादा उसके लिए परिवार की खुशी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इशिता एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। इशिता आज की नारी है और वो ऐसी नहीं है कि कोई भी अन्याय को या ख़राब व्यवहार को बस आंख बंद करके सहन कर लेगी। सो अगर रमन ठीक तरह से सफाई दे पाए, अगर रमन इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल कर पाए, तो शायद इशिता उनकी होके रह जाएगी। और अगर नहीं कर पाए, तो फिर इशिता एक भारतीय नारी को जैसे डिसीजंस लेने चाहिए वैसा कुछ करेगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ कंफर्म नहीं है, 50-50 है सब कुछ। Okay.